तो दोस्तों आज हम लोग WWE गेम के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट WWE गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। ये गेम भाई साल 2003 में आया था, यानी कि सोच सकते हो आप 17 साल पहले। फिर भी ये गेम मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे लगता है मैं 24 घंटे खेलता था यार ये गेम। एक बार खेलना शुरू करता था सुबह से तो रात में भी सोता नहीं था, कितने दिन ऐसे हो जाते थे। तो बहुत मज़ेदार गेम है भाई, और मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत पहले खेला है। साल 2010 या 11 में मेरे पास जब PS3 आया होगा तब मैंने खेला था, उसके बाद PS2 या 3 जिसमें भी चलता था, ठीक है, तो उस टाइम मैंने खेला था और बहुत खेलता था अपने भाई लोग के साथ। पर अब भाई भूल गया हूँ, ऑब्वियसली भूल गया हूँ, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे रोस्टर्स हैं। चलिए फिलहाल हम लोग अंडरटेकर 5 फिनिशर ले लिया भाई। इसमें सबसे तगड़ा बनाया गया ब्रॉक लेसनर को और बिल गोल्डबर्ग को। भाई ब्रॉक लेसनर का भी एक मैच करेंगे, फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत सीखते हैं कि मतलब खेलना कैसे है इस गेम को। मतलब मैं वो भूल गया हूँ कि इस गेम को कैसे खेलते थे। जॉन सीना इतने जवान, ओह, और केन इतने खोकार। सीना को लेने का सोचा था पर चली नहीं, सीना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि इस गेम में नए नए आए थे सीना। चलो कर्ट एंगल ठीक है, इनको 3 ही फिनिशर दिया। ज़्यादा फिनिशर देने का मतलब है कि अपनी खटिया खड़ी करवाना, जो कि मुझे नहीं करना है। बहुत सारे अरीना दिए हैं, कौन सा लिया जाए, इंसरेक्शन, सर्वाइवर सीरीज, नो मर्सी। चलो सर्वाइवर सीरीज लिया जाए क्योंकि ऐसे भी सर्वाइवर सीरीज आने वाला है। मैच करते हैं शुरू भाई, और एंट्रेंस ऑन है पर म्यूजिक ऑन नहीं है। तो भाई तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी WWE गेम्स बने हैं पुराने से पुराने सब ले कर आऊँ। ये ऑडियंस का हल्ला थोड़ा अजीब बनाया था पर ठीक है, चलो मैनेज कर लेंगे अपन। अंडरटेकर आ रहे हैं बाइक से, बहुत तगड़ी एंट्रेंस अंडरटेकर की। ये उस टाइम अंडरटेकर बाइकर वाले अंडरटेकर थे, डेड मैन वॉकिंग टॉकिंग। चलो सही है। इसमें सबसे अच्छा क्या है पता है आपको, मैं बताता हूँ, याद दिला देता हूँ जिन लोग को याद नहीं है। इसमें मैं लड़का रेसलर से लड़की रेसलर का भी मैच वन ऑन वन, चाहे टैग टीम, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब स्टेफनी मिकमैन वर्सेस अंडरटेकर भी कर सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और इसमें आप स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बन सकते हो, और चाहो तो जल्दी जल्दी पिनफॉल कर दो, चाहो तो पिनफॉल मत करो, जो करना है करो यार। बहुत अच्छा गेम था ये, मतलब ये गेम अगर आप खेलते हो अभी या आपने खेला होगा तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत कुछ अपन कर सकते थे। आई क्विट मैच भी है शायद इसमें, कमेंट करके बताना यार इसमें आई क्विट मैच दिया है या नहीं, मुझे याद आ रहा है कि दिया है। चलो अंडरटेकर तो आ गए हैं, अब कर्ट एंगल भी आ जाए जल्दी से, तो मैच करेंगे शुरू। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा मैं आज, 2-3 मैच करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको इसकी आगे वीडियो देखनी है कि नहीं। और इसका जो करियर मोड है ना यार, बहुत अच्छा है, बिना डायलॉग के बहुत अच्छा करियर मोड बनाया था। मुझे याद है मैंने खेला था इसका करियर मोड बहुत पहले, जब मेरे पास PS2 या 3 जो भी था उसमें खेलता था, तो इसका करियर मोड मैंने खेला है, बहुत अच्छा बनाया। इसमें GM मोड है, जिन लोग ने खेला होगा उन लोगों को पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरल मैनेजर के पास जाकर आप टाइटल शॉट मांग सकते हो, या फिर बहुत अच्छा फंक्शन था यार मेरे हिसाब से, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये गेम। पर अब सारे फंक्शन हटा दिए, WWE को पता नहीं क्या सूझा कि सारे फंक्शन हटा दिए उन लोगों ने, और अब चलो देखते हैं क्या होता है। कट एंगल के पास 3 फिनिशर है, एंकल लॉक दे के मुझे भाई सबमिट नहीं करवाना। ये देखो स्टार्टिंग में मारने लगे, ओ भाई मतलब गेम आया नहीं है, सीखा नहीं है, उसका क्या मतलब मारने लगोगे। ये लीजिए खाइए लास्ट, अच्छा लास्ट राइड अंडरटेकर का फिनिशर था इस टाइम पे। तो भाई एक फिनिशर मेरा खर्चा हो गया है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप चाहो तो सामने वाले को कम फिनिशर तो दे ही सकते हो, पर और भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो खुद के पास 5 फिनिशर रख लो, और सामने वाले के पास कितना भी वो आपको मार ले उसके पास एक भी फिनिशर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा बनाया था इसमें। वाह अंडरटेकर तो बड़ा सही नीचे उतरे यार। चलो रिंग के नीचे से देखता हूँ, टेबल टेबल टेबल, अरे छीन लिया कट एंगल ने। इसमें भी मतलब ये लोग ऐसे ही हैं, अरे गिरे नहीं यार ये, इतना मारने तो जा रहा हूँ घुसा। लो भाई फिनिशर फिनिशर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कर दिए मैच में, रिंग काउंट ऑफ कर दिया, वरना भाई नीचे रेफरी रहने ही नहीं देगा। टेबल उठाओ अंडरटेकर, टेबल उठाइए, हाँ मारिए कट एंगल को, अरे मारिए और मारिए, इनका भी कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई कॉर्बिन टकले के बाद अब यहाँ पे ये परेशान कर रहे हैं। ये देखो कहाँ फेंक दिया, अच्छा रिंग के अंदर, टेबल बाहर पड़ा हुआ है, मैं रिंग के अंदर क्या करूँगा। ये लीजिए खाइए फिनिशर, अब ये लेटे रहेंगे भाई, मैं नीचे से टेबल उठा के लाऊंगा। इसमें जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, एज भी दिया है मुझे जहाँ तक याद है, एज भी है, मैट हार्डी,
बहुत मतलब सही रोस्टर था यार, मतलब इसको वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग गेम मानते हैं बहुत लोग, और सही में है। ये देखो इसके ऊपर चढ़ता है, मुझे याद आ रहा है, हाँ देखो यहाँ चढ़ गया भाई। क्यों नहीं बनाया यार ये सब फंक्शन 2K20 में, क्या सही गिरे यार दोनों, मतलब बैरिकेड के ऊपर चढ़ना चाहिए। कट एंगल टकराए तो स्टील स्टेप्स ही टूट गया, मतलब इस गेम में बहुत कुछ नया नहीं पुराना है, पर अब याद आ रहा है मुझे देख देख के। देखो सबमिशन, भाई इनको सबमिशन देने का मौका आया था, दिया नहीं उन्होंने। ऐसे बाहर सबमिट नहीं करता, ये कैसे उठाता है? अरे ये गिर क्यों जा रहा है बार बार, बहुत भारी है क्या? नहीं चलो मैं आ गया। ओ नाचता है, ये ले मार खा। और अरे ये गिर क्यों नहीं रहा है भाई? मैं भी नहीं गिरा, अरे नहीं गिरूंगा, अरे गिर गया। अच्छा ये ग्रैपल करके भाई पूरा सर झंझना गया मेरा, ये जानबूझ के पैर तोड़ रहा है मेरा ताकि मेरा पिनफॉल करवा सके। ये देखो एंकल लॉक दे दिया, एंकल लॉक नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे रोप के पास से खींच के लाया है ये आदमी, रोप के पास पहुंचते थे मुझे, या फिर सबमिशन छुड़ाने दो यार, रोप के पास पहुंचो या फिर सबमिशन छुड़ा लो, दोनों ही अच्छा होगा। फिर सबमिशन, अरे ये पिनफॉल भी करवा रहे हैं। वन, स्टार्टिंग में पिनफॉल हो जाता बहुत बेइज्जती होती यार, पहला मैच है इस गेम का, अब इस गेम को सीखने में टाइम लगने वाला है। इसका रिवर्सल भी अलग तरीके से होता है, ये देखो रिवर्सल का नाम लिया, कर दिया रिवर्स। इसमें बहुत कुछ अलग है, ये क्या कर रहा है? अरे यार ये शुरू ही से मेरे पैर को टारगेट किए जा रहे हैं कट एंगल। फिर देखो फिर फिनिशर दे दिया यार, तीन फिनिशर देने का मतलब है ना कि ये लोग फटाफट फिनिशर देते हैं। ये देखो रोप के पास से खींच के लेके जाता है ये आदमी मुझे। अरे यार रोप के पास पहुंचते तो अंडरटेकर को, अंडरटेकर टैप आउट नहीं कर सकते। और रेफरी, रेफरी को क्या छोटा और मोटा बनाया है। अरे छोड़ो यार, पिनफॉल करवा रहे। वन, अरे छोड़ो यार, इसमें मैं किकआउट बस बटन दबाते रहना है, किकआउट छोड़ा करेगा तो करेगा, वरना कुछ इसमें हो नहीं सकता है। वो नहीं कि बार आ रहा है और आपने किकआउट कर दिया, अगर आपकी हेल्थ खत्म तो भाई कुछ भी कर लो, कितने बटन दबा लो कोई फायदा नहीं। कट एंगल फिर देगा फिनिशर, हट तेरी तो था फिनिशर, अंडरटेकर को हराएगा, मजाक है क्या? हाँ भाई लास्ट राइड, लेटर है चुपचाप से। पिनफॉल, पिनफॉल करवाऊँ क्या? अरे पिनफॉल कैसे होता है यार इसमें, अब ये एक अलग कहानी है कि पिनफॉल कैसे होता है, ग्रैपल ही वाली बटन से होता था मुझे याद है। अच्छा रुको पिनफॉल करवाने की कोशिश करूँगा इसके बाद, बहुत मारा कट एंगल को, अब पिनफॉल करवाने का टाइम है। अरे यार ये पलटे क्यों जा रहे हैं अंडरटेकर, सर पिनफॉल करवाना था मुझे। अच्छा रुक जाओ, अब तो और मारना होगा, बिना फिनिशर के पिनफॉल होने से रहा। ले भाई खा, फेंक के मारा है यार, ये फंक्शन नहीं है इसमें 2K20 या जो भी 2K के गेम्स हैं भाई। दो ही मेरा WWE का सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम है, वो है स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन और 2K14। ये लीजिए और खाइए मार, आ जाइए आ जाइए, पास में आइए। अरे लगा नहीं, अब ये मारेंगे बहुत, मेरा टकला लाल कर देंगे ये मार मार के। अरे बाला, ये देखो अब तो रोप भी नहीं है, दूर दूर तक रोप नहीं है यार, अब कैसे मैं छुड़ाऊंगा पता नहीं। रोप तक जाने तो देता यार, इतना क्या जालिम बन रहा है तू, छोड़ देना छोड़ दे, कट एंगल छोड़ दे, नहीं अभी सबमिट नहीं करूंगा मैं, इतनी जल्दी मेरा पैर नहीं टूटेगा अभी, मेरे पास दो फिनिशर है, कट एंगल तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे यार पिनफॉल भी करवाते हैं यार, इसमें कुछ ज़्यादा ही कंप्यूटर लोग चलाक हैं, मतलब 2K गेम में बेवकूफ़ बनाना आसान है कंप्यूटर को, इसमें यार बहुत चलाक आदमी है यार ये लोग। फिनिशर देना था मुझे, पर चलो ठीक है, बताता हूँ इनको, इनकी ऐसी की तैसी। ये लीजिए फिनिशर खाइए, अब पिनफॉल करवाता हूँ, बहुत मज़े ले लिए कट एंगल ने, खाइए लास्ट राइड। टकले रेफरी आ, काउंट कर, वन टू, किकआउट कर दिया यार इसने, चार फिनिशर दे चुका हूं मैं, ऐसे थोड़ी होता है यार, चार फिनिशर के बाद भी किकआउट कर दिया इन्होंने। देखो क्लोज लाइन भी नहीं मार रहा है, मुझे लग गया एक और फिनिशर, हाँ खा भाई। अब ये पांचवा और आखिरी फिनिशर है फिलहाल, अब इसके बाद मेरे पास फिनिशर अभी तो नहीं है, मारना पड़ेगा तब आएगा, देखते हैं पिनफॉल होता है कि नहीं इसके बाद भी। भाई इसके बाद पिनफॉल नहीं ना हुआ तब कुछ दिक्कत है, मान लेना। पिनफॉल करो, वन थ्री कर दे यार, हाँ चलो फाइनली फर्स्ट मैच तो जीत गया।
अब अंडरटेकर सेलिब्रेशन करते हुए नजर आने वाले, अब करेंगे भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिल गोल्डबर्ग। मैं लूंगा बिल गोल्डबर्ग, और ब्रॉक लेसनर जो कि इस गेम के सबसे हार्ड कैरेक्टर है ब्रॉक लेसनर, तो उनके साथ भाई करूंगा, क्योंकि इस गेम के कवर सुपरस्टार वही थे, ब्रॉक लेसनर ही थे, और उनको पता नहीं कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड ओपी बनाया है ब्रॉक लेसनर को इसमें, जो आप लोग कहते हो ना ओपी ये ओपी वो, इसमें ब्रॉक लेसनर ओपी है, ओवर पावर्ड। ठीक है, अंडरटेकर का जश्न देख लेते हैं, उसके बाद बिल गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं, चूज किया जाए सिंगल, बहुत सारे मैचेस हैं इसमें, रॉयल रंबल भी है, मुझे देखना है कि रॉयल रंबल कैसे होता है इसमें, पर वो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी यहाँ ब्रॉक लेसनर को हराने की मैं कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि कोशिश बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल गोल्डबर्ग कहाँ है यार, बिल गोल्डबर्ग का 90 दिया है, मैं 5 फिनिशर लूंगा, ब्रॉक लेसनर का 91 दिया है, और ब्रॉक को भी 5 दूंगा। चलो ठीक है, 5 वर्सेस 5 जो दे पाए, अब सीख गया हूँ थोड़ा बहुत, तो 5 वर्सेस 5 दोनों को 5-5 फिनिशर दे दिया है। प्ले करते हैं मैच को, नो डिस्क्वालिफिकेशन है, रिंग काउंट ऑफ है, चलो मैच करते हैं शुरू। इफ़ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, दोनों का एंट्रेंस देखेंगे भाई, एंट्रेंस म्यूजिक ऑफ है। आप लोग एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो जब तक एंट्रेंस हो रहा है, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा ही लेना साथ साथ। गोल्डबर्ग आ गए, गोल्डबर्ग तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं यार, बहुत सारे बम फटे, ड्रैगन की तरह बिल गोल्डबर्ग आग से निकलते हुए आ रहे हैं रिंग के अंदर। हाँ ब्रॉक लेसनर आएंगे भाई राक्षस की, ऐसे भी बीस्ट नाम है उनका, बीस्ट इनकार्नेट पहुंचेंगे। अरे ये अचानक से अंदर कैसे घुस गए, पता नहीं क्या बक रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं बिल गोल्डबर्ग। अब मुझे जीत की राह की तरफ यही लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हराना अगर मुश्किल है, पर बिल गोल्डबर्ग को भी अच्छा ही बनाया था इसमें, थोड़ा पावरफुल बनाया है इसमें। चलिए देखते हैं, आ चुके हैं भाई, इनकी बॉडी है यार, ये क्या बना दी है इनको, स्टील बॉडी बना दी है यार, देख रहे हो। ठीक है आइए ब्रॉक लेसनर, कुछ ज़्यादा ही हैवी बॉडी है ब्रॉक की। ठीक है सर आ जाइए रिंग में, बैक टैटू था या नहीं, वो तलवार वाला टैटू उस टाइम नहीं बनाया था ब्रॉक लेसनर ने, UFC में जाने के बाद बनवाया था, तो वो तलवार वाला टैटू नहीं है इसमें। क्या खतरनाक गेम बनाया था यार इसको, मतलब ग्राफिक्स अब सोचो 17 साल पहले आया है तो ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है अभी के गेम के जैसे, पर फिर भी बहुत बेस्ट है ये गेम, मतलब मैं बता सकता हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था यार ये गेम। कहाँ है गोल्डबर्ग, चलो भाई मैच शुरू होने वाला है, बिल गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और देखते हैं कि ब्रॉक को हरा पाते हैं या नहीं, आज पहला दिन है इस गेम का, तो चलिए देखते हैं। आइए ब्रॉक बच गया, मतलब पहली बार में गलती, पहली बार जो गलती करता है ना अब उसको भुगतना पड़ेगा। मारो भाई ब्रॉक को, ब्रॉक आ जा, हाँ ब्रॉक से बचा मैं, ब्रॉक ने भी गलती की, क्लोज लाइन खा भाई ब्रॉक, मैं आ रहा हूँ रिंग के ऊपर। ब्रॉक की हेल्थ इसमें जल्दी खत्म नहीं होती है, ये ले भाई जैकहैमर, जैकहैमर जब मौका मिले भाई ब्रॉक को जैकहैमर दो, एक दो फिनिशर से इनका पिनफॉल थोड़ी होने वाला है। लो भाई दे दिया जैकहैमर, पूरा रिंग में गोल गोल घुमा के यार, फिनिशर भी दिखाने का स्टाइल था इसमें। पिनफॉल कर रेफरी, 1 2, मुझे लगा स्क्वाश कर दूंगा यार तो एक अलग ही मजा आ जाएगा, पर वो तो नहीं हुआ। स्पीयर यहाँ से नहीं देते हैं, मैं टेस्ट कर रहा था, हो सकता है यहाँ से स्पीयर देता हो पर नहीं देते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने से निकल गए। ब्रॉक हाँ दौड़ते, ब्रॉक कर क्या रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, ये बच गया ब्रॉक, फिर पटक दिया ब्रॉक ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मैंने एक फिनिशर दिया, ब्रॉक ने नहीं दिया, और ये दूसरा फिनिशर, हाँ भाई ब्रॉक को दूसरा फिनिशर, पिनफॉल, इसके बाद जल्दी से मैं पिनफॉल करूंगा, ऐसे भी ये अच्छा है। ब्रॉक गोल्डबर्ग ब्रॉक को देते हैं ना फिनिशर, तो अपने आप पिनफॉल भी कर लेते हैं, मतलब किसी को भी जैक हैमर देंगे तो खुद से पिनफॉल कर लेंगे, पिनफॉल करवाने का टेंशन नहीं है। 2 3 कर दे यार, टकले रेफरी, पीछे से टकला है थोड़ा सा। इस रेफरी का नाम है एल हेबनर, शायद ये वही रेफरी है जो WWE में आते थे, उन्हीं के जैसा बनाया है। सामान लेके आ रहा हूं मैं, ये सब गेम में कमेंटेटर नहीं होते थे, अच्छा ही है, माइकल को दिमाग की दही उल्टा सीधा बताते रहते हैं। टेबल उठा भाई, मार ब्रॉक को मार, अरे DQ कर दिया मुझे, क्या मनुष्य रेफरी यार, DQ ऑफ था इस मैच में,
भाई मैंने तो ऑफ कर दिया था यार, ये डीक्यू ये कहाँ से ऑन हो गया, इतना अच्छा जा रहा था मैच, ब्रॉक ने एक भी अपना फिनिशर नहीं दिया था। अरे यार अब इसको रीमैच करना होगा, ये गलती, मैं मार खा के कहाँ गिरा था, ये गलत दिखा रहे हैं भाई, मैंने तो मारा था ब्रॉक को। रेफरी मनहूस, आखिरकार ये भी तो है, तो WWE का गेम ना, रेफरी मनहूस कैसे ना हो। चलो भाई ठीक है रीमैच करते हैं इसको, आ जा ब्रॉक, फिर ब्रॉक सा, फिर सेम टू सेम काम किया मैंने, पिछले बार भी यही किया था, ब्रॉक निकल गए थे सामने से। चलो इस बार ब्रॉक को ज़्यादा ही मेरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग ही से। ले F5 दे दिया भाई, पिछले बार मैं दे रहा था यार फिनिशर पे फिनिशर, ब्रॉक ने F5 दे दिया। ब्रॉक लगता है पिछले मैच का कसर निकाल रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। पिनफॉल नहीं करेगा रेफरी, मनहूस कहीं का वन भी नहीं करने दिया मैंने। अरे यार ब्रॉक कुछ ज्यादा नहीं कर रहे इस बार, ये देखो फिर से F5 दे दिया, ये ज्यादा हो रहा है ब्रॉक सर, मैं बता रहा हूँ आपको, एक और F5 दे दिया ब्रॉक ने। भाई पिछले बार मैंने दिया था यार दो दो जैक हैमर, ब्रॉक हाँ रुकिए मैं आ रहा हूं, बचा लिया ब्रॉक ने। स्पाइन बस्टर, भाई यार ये कंटिन्यूअसली मारे जा रहे हैं, अचानक से क्या हो गया ब्रॉक को, ब्रॉक ऐसे मत करिए आइए। हाँ बहुत अच्छा हुआ रेफरी को पड़ा ना, इस बार डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है ब्रॉक, इस बार मैंने खुद से देख के ऑफ किया। ये तीसरा F5, तीन F5 पड़ चुका है मुझे, मतलब अंत नजदीक मुझे नजर आ रहा है। पिनफॉल करिएगा, रेफरी तो है ही नहीं, मनुष रेफरी तू लेटा ही रहा। आइए जैक हमर, ब्रॉक को हराने के लिए पूरी कोशिश जारी है, जैक हमर अब देने की बारी है। रेफरी खड़ा हो गया ना, हाँ भाई पिनफॉल करने के लिए तैयार है। तीन तीन F5 दे दिया यार मुझे, पिछला मैच इतना अच्छा जा रहा था, तीन करना, क्या मनहूस रेफरी है यार, तीन भी नहीं करता, रुका हुआ पॉज होके। भाई इसमें मैं खुद भी रेफरी बन सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा मजा आता है। मुझे याद है कि मैं भाई लोग के मैच में रेफरी बन जाता था, और मुझे जिसे जितवाता रहता था ना उसका मैं जल्दी जल्दी पिनफॉल कर देता था, और जैसे जिसे हरवाना रहता था जिस भाई को उसको मैं फिनिशर देके और उसका पिन, वो जब पिनफॉल करता था तो मैं काउंट ही नहीं करता था, तो बहुत मजा आता था ये सब करने में। दूसरा जैक हमार पिन कर यार जल्दी, दो तीन कर देना, वन टू, इस बार तो टू भी नहीं होने दिया ब्रॉक ने, टू लिखा है नहीं तो मतलब टू नहीं हुआ है। ब्रॉक ने दो F5 दिया, मैंने दो जैक हैमर दिया, हिसाब बराबर हो चुका है, पर अब मैं सामान लेके आऊंगा। इसके नीचे क्या है, चेयर, आ रहा हूं ब्रॉक में, इस बार डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, ब्रॉक नहीं मुझे, नहीं मुझे चेयर से, अरे कुछ नहीं हुआ, हाँ बोला था ना कुछ नहीं हुआ मुझे, ये ले भाई आ रहा हूं ब्रॉक में, खा भाई चेयर, अरे खा ले भाई, हाँ भाई बहुत सही चेयर मारते हैं यार इसमें, रुक जाओ कितना दूर भागिएगा ब्रॉक। ब्रॉक को अभी मौका था फिनिशर देने का, अब मेरा मौका है, इस बार अगर रेफरी पिनफॉल नहीं ना हुआ जान ले लूंगा तेरी, बहुत हो गया अब पिनफॉल कर दे भाई, अब बहुत ज्यादा हो गया यार, प्लीज पिनफॉल कर दे यार, अच्छा रेफरी है तू यार, प्लीज पिनफॉल कर दे। तीसरा जैक है हमारे, और चेयर से भी मारा है इतना ज्यादा, पिनफॉल कर, वन टू, अरे थ्री भी बोल दे यार, थ्री बोल दिया, ब्रॉक हार गए तीन जैक हैमर से। भाई अगर कोई और प्लेयर लेता ना तो इतने आसानी से ब्रॉक लेसनर नहीं हारने वाले थे, इतना तो कंफर्म है, मतलब मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि तीन फिनिशर खा के ब्रॉक का पिनफॉल और कोई प्लेयर से नहीं हो सकता है, ये सिर्फ बिल गोल्डबर्ग कर सकते हैं। तो भाई चलो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, और आप लोग बताना नेक्स्ट टाइम कि इसमें और मैचेस एक्सप्लोर किया जाए या फिर इसका माई करियर मोड खेला जाए, ये सब आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं इसका माई करियर मोड खेलूं या कोई दूसरा मैचेस खेलूं, लड़का वर्सेस लड़की भी कर सकते हैं इसमें मैचेस। तो भाई ठीक है, ख्याल रखो, वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।